एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आ रही है ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली इलाके से, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव उसके घर से बरामद हुआ है। मृतक महिला की पहचान अनीता पाटिल के रूप में हुई है। खबर के मुताबिक मृतक अनीता पाटिल डोंबिवली पूर्व के घरीवली इलाके में स्थित अर्जुन एम्पायर नाम की इमारत में रहती थी। दरअसल इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब सुबह करीब 8 बजे अनीता को उसकी बेटी ने फोन किया, लेकिन अनीता ने फोन नहीं उठाया। काफी देर तक उसने फोन नहीं उठाया तो उसकी बेटी को शक हुआ और वह तुरंत माँ के घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तब मृतक की बेटी ने दूसरी तरफ की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो सामने अनीता का शव पड़ा दिखाई दिया और अलमारी भी खुली हुई थी। बेटी ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर देखा तो अलमारी खुली हुई थी और बेटी ने पुलिस को बताया कि इसमें पैसे और गहने रखे थे जो गायब हैं। पुलिस ने शक जताया है कि चोरी के इरादे से महिला की हत्या की गई है। मौके पर पहुंची डोंबिवली की मानपाड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। वैसे आपको बता दें कि इस मामले की जांच कल्याण क्राइम ब्रांच भी कर रही है। माझी उप सरपंच घारिवली, आमच्या गावामध्ये आज भयंकर दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। आमच्या गावातल्या अनिता पाटील यांची एक संशयास्पद कृत्य म्हणजे हत्या झाल्याचा एक संशय वाटतो आहे आम्हाला, आणि त्यांच्या अंगावरचे सर्व दागिने, कपाटातले दागिने आणि पैसे सर्व गायब झालेले आहेत। पोलिसांनी या प्रकरणाचा ताबडतोब छडा लावून आम्हाला घारिवलीच्या ग्रामस्थांना न्याय द्यावा ही नम्र विनंती।